रोटरी चौक ऊना में स्थित शालीमार एंटरप्राइजेस त्योहारी सीजन पर ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर लेकर आया है। शालीमार एंटरप्राइजेस ने ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एमआई, लावा सहित अन्य कंपनियों के मोबाइल फोन खरीद सकते हैं। शालीमार एंटरप्राइजेस में 0% फाइनेंस सुविधा, मोबाइल फोन की खरीद पर अतिरिक्त वारंटी सुविधा, स्क्रीन रिप्लेसमेंट वारंटी, बजाज से फाइनेंस करवाने पर कैशबैक सुविधा और ढेरों आकर्षक उपहार। तो जल्दी करें, ऑफर सिर्फ इस त्योहारी सीजन तक। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि उनके ओएसडी पर लगे मीटू के आरोप कोरी बकवास हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि महिला नेत्री के पति पर विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में कार्य नहीं करने का आरोप लगे थे। वहीं जो वीडियो क्लिप इस मामले में सामने आया है उसमें उस समय के कांग्रेस प्रत्याशी एवं वर्तमान विधायक का भी जिक्र है और इसमें उससे हटकर कुछ भी नहीं है। रविवार को हरोली पहुंचे मुख्यमंत्री ने इस मसले पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से जो भी शिलान्यास किए जा रहे हैं उसके लिए बजट का पूरा प्रावधान है। कांग्रेस की तरह हम कोई शिलान्यास बिना बजट के नहीं करेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि हरोली में कांग्रेस का विधायक होने के बावजूद करोड़ों रुपए के काम करवाए जा रहे हैं। हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे विकास कार्य हैं इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सर, और मुझे लगता है कि उनको प्रसन्नता होनी चाहिए कि वो सरकार में वर्तमान में नहीं है, विपक्ष के नेता हैं और उसके बावजूद भी हम उनके इस क्षेत्र का जो है वो विकास के प्रति जो उनकी चिंता कर रहे हैं और ख़ासतौर से इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो विकास कार्य जो चल रहे हैं उनको और ज़्यादा तेज़ गति देंगे। और अभी मुझे इस बात की खुशी है कि राम कुमार जी को एक नई जिम्मेवारी यहाँ पर दी गई है और इस नई जिम्मेवारी के तहत जो है इस क्षेत्र में विकास कार्य को और गति देने के लिए हमारी कोशिश होगी और जो रुके हुए काम थे उनको तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। सर, मीडू के आरोप जो है आपके ओएसडी पर लगे हैं, नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले की जाँच की जो मांग की है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पर उनको पहुँचना चाहिए। इस सारे संदर्भ में ये संगठन से जुड़ा हुआ विषय है। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसमें सच्चाई कतई भी नहीं है। मैं सिरे से खारिज करता हूँ इन तमाम आरोपों को और सिर्फ बात यह थी कि जिस महिला ने ये सारी बात की है उसके पति ने बात की है, उन्होंने विधानसभा के चुनाव में पार्टी के जो ऑफिशियल कैंडिडेट है उसके पक्ष में काम नहीं किया, ऐसा उन पर आरोप था। और उसकी जो वीडियो जो कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट उस वक्त वहाँ से जो विधायक बने हैं उनके साथ एक रेस्टोरेंट में उनके साथ वीडियो क्लिपिंग जो है वो रिकॉर्ड उसका जिक्र किया गया और इससे हट करके कुछ भी नहीं है। और मैं समझता हूँ इस प्रकार की बातें करने से उनको जो हमारे मित्र इस तरह की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। थैंक यू। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए ऊना से मनिंदर अरोड़ा के साथ अनिल पटियाल की रिपोर्ट।